थैंक यू सर। ए एम चुप हो जा। और भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको शेप समझ में नहीं आए थे? कोई ऐसा बच्चा है जिसको शेप और सॉलिड शेप समझ में नहीं आए थे? एक बार हम लोग फिर से जल्दी जान लेते हैं कि शेप्स क्या होते हैं, ठीक है? ओके, गुड आफ्टरनून गुरांशी। ओपन योर पेज नंबर 39 इन योर मैथ बुक। पेज नंबर 39 ओपन कीजिए। एक बार हम फटाफट जल्दी से रिकॉल एक बार रिपीट कर लेते हैं चैप्टर्स को, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ सर्कल, सर्कल है ये। सर्कल कैसा होता है? राउंड। आज लाइट भी नहीं है। इट इज अ सर्कल, सर्कल कैसा होता है? राउंड लाइक दिस। ओके, और आपको इसमें से सर्कल पे कलर करना था। नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इट हैज अ थ्री साइड। थ्री साइड कैसे होती है ट्रायंगल की? 1, 2 and 3। दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की थ्री साइड होती है 1, 2 and 3। एंड ट्रायंगल की स्पेलिंग TRIANGLE, ट्रायंगल। ओके, फिर आपको इसमें ट्रायंगल में रेड कलर करना था। नाउ मूव टू नेक्स्ट इमेज, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैज 4 साइड। इट हैज 2 साइड लॉन्ग एंड 2 साइड शॉर्ट। हमने कल रेक्टेंगल की इमेज देखी थी कंप्यूटर पे, आज मैं इसे दिखा पा रहा बट क्योंकि लाइट नहीं है। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की 2 साइड लॉन्ग, देखो ये दोनों साइड है ये लॉन्ग है, और 2 साइड शॉर्ट, और ये साइड दोनों की शॉर्ट है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 4 साइड होती है 1, 2, 3, 4, जिसमें 2 साइड बड़ी होती है और 2 साइड छोटे होते हैं। ओके, आपको रेक्टेंगल में कलर करना था। नाउ स्क्वायर, स्क्वायर has also 4 साइड। स्क्वायर की भी 4 साइड होती है लेकिन ऑल साइड इक्वल, जैसे बुक में है लाइक दिस 1, 2, 3 and 4, और उसकी चारों साइड इक्वल होती है। देखो इस चारों साइड एक बराबर होती है, ठीक है? आपको इसमें स्क्वायर में कलर करना था लाइक दिस। एंड इट्स ओवल, ये ओवल शेप है, जैसे आपने एग देखा होगा ये ओवल शेप में होता है लाइक दिस। ओके ना, आपको उसमें ओवल में कलर करना था। आशवी समझ में आ रहा है बेटा? ओके, फिर हमने सॉलिड शेप्स के बारे में जाना। सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? सॉलिड शेप वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन सी एंड फील देम। हम उन्हें देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स में सिलेंडर, स्पेयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन। पहला शेप इसमें स्पेयर। ओके, अब आपको उसे स्पेयर तो सर्कल होता है, सर्कल एक शेप होता है प्रॉपर, और स्पेयर एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि जैसे अब हमने इसमें कल देखा था अर्थ और ये बॉल प्रॉपर। अर्थ क्या है इसमें? स्पेयर शेप में है। स्पेयर शेप ऊपर से हमको हल्का ऐसा लगता है जैसे ऊपर फ्लैट टाइप का है, हम जब देखेंगे दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा फ्लैट, लेकिन फ्लैट नहीं होता, वो राउंड टेप शेप टाइप का होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्यूब। अब इसमें से कौन सी इमेज क्यूब है? डाइस। और कल मैंने आपको क्यूब बनाना सिखाया था। क्यूब बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप एक स्क्वायर बनाइए लाइक दिस। बनाइए बच्चों, एक रफ कॉपी लीजिए, स्क्वायर बनाइए जैसे मैंने बनाया। आश्वी हरी अब, जैसे स्क्वायर बनाया वैसे स्क्वायर बनाइए जल्दी जल्दी। जैसे स्क्वायर बनाया हम क्यूब बनाना सीख रहे हैं।
ओके, तो एक 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 और स्क्वायर के ऊपर बनाना है लाइक दिस, ऐसे। ओके, हमने दो स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर्स के जो कॉर्नर्स है वो हमको ऐड करने हैं, जोड़ने हैं एक दूसरे से। जैसे इसको हमने इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा हमने। देखो जैसे मैंने जोड़ा हुआ, मैंने एरो भी बनाया कहाँ जोड़ा किस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया है, जब हमारा बन गया क्यूब। ओके, इस तरह से हमारा क्यूब बनेगा, ठीक। तो इसमें आज नेक्स्ट है सिलेंडर शेप बनाता। सिलेंडर कैसे बनता है, आप एल ऊपर छोटा से हल्का सा ओवल टाइप का बनाइए लाइक दिस, फिर दोनों तरफ से लाइन कीजिए और नीचे भी एक सर्कल टाइप का ऐसे। ये कौन सा शेप हुआ बच्चों, सिलेंडर। नेक्स्ट शेप था, इन सब शेप्स को बोलते हैं सॉलिड शेप। ओके, नेक्स्ट शेप है हमारा इसमें कोन, लाइक दिस, जैसे बर्थडे की टोपी होती है ना। जैसे बर्थडे की टोपी होती है वो होता है कोन। आपने कोन वाले आइसक्रीम भी खाई होगी, कोन आइसक्रीम इस तरह से होती है। देखिए ऐसे कोन बनाया हमने, भी बनाया ऐसे ना, कोन की आइसक्रीम। ऐसे होती है आइसक्रीम, नीचे वाला पोर्शन उसका कोन शेप में होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड शेप, ये भी सॉलिड शेप कहलाता है। अब हम सीखेंगे क्यूबॉइड। जैसे कोन हमने बनाया था, क्यूब के बारे में सीखा था, क्यूब स्क्वायर से बनता है, ऐसे बनता है क्यूबॉइड, वो बनता है रेक्टेंगल से। ओके, दो ऐसे शेप लीजिए, एक रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल बनाइए लाइक दिस, और एक और रेक्टेंगल बनाइए ऊपर जैसे हमने स्क्वायर बनाया था। ओके, अब रेक्टेंगल के भी कॉर्नर्स को हम लोग मिलाएंगे इस तरह से। ओके, ये हमारा क्या हुआ, ये होगा क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल के शेप से। क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें रेक्टेंगल की हेल्प लेनी होगी और क्यूब बनाने के लिए हमें स्क्वायर की हेल्प लेनी होगी। दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड शेप। ये हमने सॉलिड शेप के बारे में जान लिया। फिर कल हम लोगों ने बच्चों रोलिंग और स्लाइडिंग शेप के बारे में भी जाना था कि रोलिंग शेप्स कौन सी होती है, स्लाइडिंग शेप्स कौन सी होती है। ओके, तो सपोज कीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन है। अब इस पे हम कोई गोल चीज रखेंगे लाइक दिस, तो वो गोल होते ऐसे तो होते हुए नीचे आएगी वो रोल करते हुए। अगर सपोज कीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है कोई चीज है और हमने इसके ऊपर सिर्फ खाली बुक रख दी, तो बुक कैसे होते आएगी, बुक स्लाइड होते हुए आएगी, रोल करते हुए नहीं आएगी, क्योंकि बुक राउंड शेप में नहीं है। जो राउंड शेप में होती है गोल होते हैं वो रोल करते हुए आते हैं, और जो गोल नहीं होते हैं वो स्लाइड करते हुए आते हैं। आई होप आशवी आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि रोलिंग शेप और स्लाइडिंग शेप्स क्या होते हैं, सॉलिड शेप क्या होते हैं और शेप्स क्या होते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है शेप्स के रिगार्डिंग।
यस सर ओके पूछना है एवी फोटो को जरा। ओके नाउ ओपन योर पेज नंबर। आशवी कुछ पूछना है बेटा? बोलो। नो सर, अभी आपने यस सर लिखा था बेटा। नहीं समझ में आ गया था इसलिए। वो समझ में आ गया था इसलिए। ओके 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 बच्चों नाउ ओपन योर पेज नंबर 44। 44 में दे रखे हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। अब इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें चार ऑप्शन होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक लगाना है। एक्सक्यूज मी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज राउंड इन शेप। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। इसमें से कौन सा शेप ऐसा है जो राउंड होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा शेप ऐसा होता है जो राउंड होता है, कोई बता सकता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? वेरी गुड आरव बंसल, वेरी गुड प्रियांश गुप्ता, वेरी गुड, वेरी गुड आश्वी, वेरी गुड मान्या सिंह, वेरी गुड बच्चों। तो आंसर इज सर्कल। तनु गर्ग, अभी मंगल कनक, वेरी गुड बच्चों। दर्श अग्रवाल, वेरी गुड। तो सर्कल इज इन राउंड शेप, सर्कल राउंड शेप में होता है बच्चों। हैंड राइज मत क्या करो। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री साइड। अभी मैंने बताया था थ्री साइड किसकी होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी ट्रायंगल और ऑप्शन डी रेक्टेंगल। किसकी शेप होती है थ्री साइड? ऑप्शन सी, वेरी गुड ट्रायंगल, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट आंसर इज सर्कल एंड सेकेंड आंसर इज ट्राइंगल, वेरी गुड बच्चों। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल शेप का होता है ना, एक रेक्टेंगल में हैज डैश साइड लॉन्ग एंड डैश साइड शॉर्ट। रेक्टेंगल में कितनी साइड लॉन्ग होती है, कितनी साइड शॉर्ट होती है, होती है? देखो 1 2 3 4, कितनी साइड लॉन्ग होती है, कितनी साइड शॉर्ट होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसमें से क्या आएगा? पहला ऑप्शन है टू साइड लॉन्ग। यस गर्ग 22 ने बेटा, इट्स अ 2 एंड 2। ओके ओके करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर करना, करेक्ट। ओके ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन बी है 2, 2, 2 साइड लॉन्ग, वेरी गुड दिव्य गोयल, टू साइड लॉन्ग एंड टू साइड शॉर्ट। प्रतीक यादव, वेरी गुड। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इट हैज फोर ऑल साइड इक्वल। अब ऐसे कौन सी साइड इसके चारों साइड इक्वल होती है? आगे से देखें, पीछे से देखें, हर तरफ से देखें, वो चारों उसकी साइड इक्वल होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिफ्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डी, वेरी गुड बच्चों। बच्चे तो बड़े होशियार हैं क्लास फर्स्ट के, सारे आंसर करेक्ट दे रहे हैं, गुड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ एन एग? द शेप ऑफ एन एग इज, वेरी गुड कनक, एग का शेप कैसा होता है? वेरी गुड तनु, वेरी गुड दिव्य, अनन्या, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रियांश, वेरी गुड दर्श अग्रवाल, वेरी गुड, वेरी गुड अभी, वेरी गुड आरव सूर्यवंशी,
ओवल शेप, एग का जो शेप होता है वो ओवल होता है, ओ वी ए एल ओवल। वेरी गुड अश्वी, वेरी गुड बच्चों। ये स्क्वायर किसने लिखा? यस गर्ल, मैंने एग का शेप पूछा, एग स्क्वायर शेप में कब साइन लगा? मैंने कभी एग स्क्वायर शेप में नहीं देखा बेटा। वंश गर्ग, वे आर यू? सिट प्रॉपरली। दिव्य गोयल, ओपन योर वीडियो। दिव्य गोयल, यू हैव टू ओपन योर वीडियो। बेटा अपना वीडियो ओपन कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप सिमिलर टू दैट अ ट्रायंगल आर। इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे सैंडविच, समोसा और हैंगर। इन तीनों के शेप ट्रायंगल जैसे होते हैं क्या? बेटा इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। समोसे का शेप भी ट्रायंगल शेप में होता है, हैंगर जिसपे कपड़े टांगते हैं वो भी ट्रायंगल शेप में होता है, और सैंडविच ट्रायंगल शेप में होता है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। आप लोगों ने समोसे खाए होंगे ना स्कूल में? सर स्कूल के समोसे की याद मत दिलाओ, बहुत मन करता है खाने का, है ना? तो वो ट्रायंगल शेप में होता है। आपने समोसा कभी ओवल शेप में या सर्कल शेप में देखा है? रेक्टेंगल शेप में देखा है कभी समोसा? नहीं ना। तो समोसा ट्रायंगल शेप में होता है, हैंगर जिसपे कपड़े टांगते, शर्ट टांगते, पैंट टांगते, देखा होगा आपने घरों में हैंगर होते हैं, वो भी ट्रायंगल शेप में होता है, और सैंडविच भी ट्रायंगल शेप में होता है। तो ऑल ऑफ दीज, फिफ्थ सिक्स्थ आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, यस यस गर्ल, इट इज अ कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल, कोन के आकार के इसमें से क्या होता है? कोन मैंने बताया था ना, जो बर्थडे कैप होती है कोन आकार में कैप। उसमें ऑप्शन हमारे पास कैप, ब्रिक, ब्रिक यानी ईंट होती है जिससे घर बनते हैं, क्यूब, क्यूब हमने देखा था, डाइस होता है, और नन ऑफ दीज या कोई नहीं। तो कैप होती है, बर्थडे कैप होती है ना कोन की शेप में, तो इसमें आएगा कैप आंसर। वेरी गुड मान्या, रियांश वेरी गुड, दिव्य गोयल वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने लूडो खेला होगा, खेला होगा लूडो। लूडो में डाइस से हम खेलते हैं जिसपे नंबर लिखे होते हैं, वो किस शेप में होता है? अ डाइस इज अ डैश इन शेप। डाइस किस शेप में होता है? क्यों? वेरी गुड दिव्य, हम उसको क्यूब, क्यों क्यूबिकल भी बोलते हैं, क्यूबिकल। आर्नव सूर्यवंशी वेरी गुड, क्यूबॉडल आंसर नहीं। क्यूबॉडल तो बेटा वो रेक्टेंगल के शेप से बनते हैं, जैसे आपके पेंसिल बॉक्स हुआ वो क्यूबॉडल हुआ, लेकिन डाइस वो क्यूबिकल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। यस मान्या सिंह, ओके। आप लोगों ने घर बनते देखा होगा बच्चों, वेरी गुड रियांश वेरी गुड। आप लोगों ने घर बनते देखा होगा, घर में मेन चीज ईंट होती है ना, ब्रिक, ब्रिक को बोलते हैं ईंट, ईंट किस शेप में होती है? अ ब्रिक इज डैश इन शेप। ईंट किस शेप में होती है कोई बता सकता है? क्या वो रेक्टेंगल होती है, क्या वो ट्रायंगल होती है, क्या वो क्यूबॉडिकल होती है, क्या वो स्क्वायर होती है? और ईंट जो ब्रिक, नो टनो, ईट जो होती है वो सॉलिड शेप होती है, ईट सॉलिड शेप होती है, और जो रेक्टेंगल है वो ओनली शेप है। तो आंसर इज क्यूबॉडिकल, क्यूबॉइड होता है, शेप रेक्टेंगल सिर्फ शेप होती है, और ईट इज सॉलिड शेप। सॉलिड शेप क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ईट को तो हम देख सकते हैं, तो आंसर इज सी, ऑप्शन सी ऑप्शन इज आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड शेप। क्या आइसक्रीम कोन सॉलिड शेप है या नहीं? सॉलिड शेप होता है आइसक्रीम। फुटबॉल सॉलिड शेप होता है?
फुटबॉल भी सॉलिड शेप होता है, बलून बलून सॉलिड शेप होता है, होता है बलून कौन सा शेप होता है, ओवल शेप में होता है, फुटबॉल कौन सी शेप में होता है, फुटबॉल स्पेयर शेप में होता है, और आइसक्रीम कोन कोन के शेप में होता है, तो आंसर इज डी, नो रियांश, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, नन ऑफ दिस, इसमें सब सॉलिड शेप में होते हैं, और क्वेश्चन ने पूछा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सॉलिड शेप में नहीं होता है, वेरी गुड दिव्य गोयल, वेरी गुड बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रोल एंड नॉट स्लाइड, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रोल करता है स्लाइड नहीं करता, स्लाइड होता है फिसल जाता है, और रोल होता है जो गोल गोल घूम के ऐसे ऐसे आता है, तो क्या बुक गोल गोल घूम के आती है, नहीं, ब्रेक कीट कभी गोल गोल घूम के आती है, नहीं, ऑरेंज गोल गोल घूम के आता है, हाँ ऑरेंज गोल गोल घूम के आ सकता है, और माचिस बॉक्स, माचिस के बॉक्स होता है वो गोल गोल घूम के आ सकता है, नहीं, तो आंसर इज ऑरेंज, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आश्वी, करेक्ट आंसर दिव्य, करेक्ट आंसर, ओके करेक्ट आंसर है बच्चों, ओके अब जो पेज नंबर 45 आप लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना इसको, मैं एक टेस्ट तरीके से लूंगा आप लोगों को, और वो कैसे लूंगा मैं असाइनमेंट तरीके से वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आप लोग फिर पेरेंट्स की हेल्प ले लेंगे, है ना, ओके, अब हमारे इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब किसी भी बच्चे को चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के रिगार्डिंग कुछ जानना है, किसी को एडिशन समझना है, किसी को सब्ट्रैक्शन समझना है, शेप्स के बारे में जानना है, बिफोर आफ्टर बिटवीन कुछ जानना है बच्चों आप लोगों को, नो सर, सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, यस कनक, सर एक 20, 30 का एमसीक्यूज बता दीजिए और एक 26 का एमसीक्यूज बता दीजिए, सारे एमसीक्यूज बताने बेटा, 38 पेज के बेटा सारे एमसीक्यूज बताने हैं आपको, हाँ सर, ओके तो आपको एमसीक्यू नहीं आए थे, ओके बेटा, सर मैंने किए तो है पर मैं उसे चेक करूंगी, सर ओके, मैंने किए तो है पर मैं उसे चेक करूंगी, ओके बेटा, एंजल सोनी, हाँ बेटा, सर मुझे पूछना था, यस मैम, सर इसके जो 1, 2, 3 चैप्टर हो चुके हैं तो वो नोटबुक में सारे कॉपी करने हैं कि बुक में ही होंगे सिर्फ, मैम 1, 2 चैप्टर के जो कॉपी में करने थे वो मैंने आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाया था, हाँ जी, हाँ जी सर दिखाया था, बस वो उतना ही करना है नोटबुक में, अभी फिलहाल उतना करना है, जो आगे होगा फिर मैं वो आपको दोबारा दिखा दूंगा आगे का जो भी होगा, अच्छा ओके सर, बाकी तो बाकी कुछ भी नोटबुक में नहीं करना है, बाकी जो नोटबुक में करा रहा हूँ वो नोटबुक में करना है, जो बुक में करा रहा हूँ वो बुक में करना है मैम, ओके सर थैंक यू, ओके मैम, ओके बच्चों तो ओपन योर पेज नंबर 38 इन योर मैथ बुक, पेज नंबर 38 ओपन कीजिए, एमसीक्यूज हैं ये सब्ट्रैक्शन चैप्टर के, ओके बहुत से बच्चों ने इसे कर भी लिया होगा, यश गर्ग मैंने भी क्या बोला, बहुत से बच्चों का हो गया होगा, कुछ बच्चों का रह गया है, जिनका हो गया है वो एक बार चेक कर लें, ओके
कंफर्म कर लें कि उनका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्सट्रैक्शन मींस टेक डैश समथिंग। ओके, आप सपोज कीजिए कि हमारे ये फोर फिंगर ओपन है, अब हमें इसमें से टू माइनस करना है, तो हम इसमें टू फिंगर और ऐड करेंगे या टू फिंगर अवे अलग कर देंगे इसमें से। अलग का मतलब ये नहीं कि कट कर देना, या हम इसे बंद कर देंगे। बंद कर देते हैं तो आंसर आता है हमारा टू। सब्ट्रैक्शन मींस टेक अवे समथिंग, और ये चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पे भी लिखा होगा। जब आप चैप्टर की स्टार्टिंग की होगी आपने उसमें लिखा होगा व्हेन वी टेक अवे थिंग्स, तो फर्स्ट आंसर इज अवे, ए डब्ल्यू ए वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल दैट वी यूज इन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम इज माइनस। सिंपल माइनस होता है बेटा, और जब हम प्लस करते हैं तो प्लस का साइन ऐसा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन ऐसा होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो इसमें एक आपको एक सिंपल सी लाइन होगी, ए ऑप्शन है जो, वो है माइनस का साइन। ओके, तो फर्स्ट आंसर अवे, ए डब्ल्यू ए वाई अवे, एंड सेकेंड आंसर ऑप्शन नंबर ए जो माइनस का साइन है सिर्फ। ओके, द सिंबल जो उसमें सिंबल दिया हुआ है सिंबल डैश टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइनस बोलते हैं, एम आई एन यू एस माइनस, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, एम आई एन यू एस माइनस। अब ऑप्शन नंबर एट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं हम लोग। एट फिशेस माइनस सिक्स फिश इज इक्वल टू, आप ओपन योर एट फिंगर, आपने एट फिंगर को ओपन कीजिए, रियांश ओपन योर एट फिंगर। अब एट में से हमको सिक्स फिश माइनस करनी है, यानी एट में से सिक्स माइनस करना है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। अब कितने फिंगर हमारी ओपन है, टू, तो नेक्स्ट आंसर होगा टू फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फाइव बर्ड टू फ्लू अवे द रिमेनिंग बर्ड्स आर, आप सपोज कीजिए फाइव बर्ड्स थी, एक पेड़ पे फाइव बर्ड्स है, अपने फाइव फिंगर ओपन कीजिए, जिसमें से टू बर्ड्स उड़ गई, टू बर्ड्स उड़ गई, तो हाउ मेनी बर्ड्स आर रिमेनिंग, कितने बर्ड्स बचे हमारे पास, थ्री, वेरी गुड। तो फिफ्थ का आंसर आएगा थ्री, टी एच आर डबल ई थ्री, ऑप्शन नंबर सी भी वही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेवन माइनस थ्री इज इक्वल फोर। अब इसको लिखते कैसे हैं, मैं ये आपको दिखाता हूं। ओके, ऑप्शन इसमें क्वेश्चन था, इसके अंदर सेवन माइनस थ्री इक्वल फोर, लाइक दिस, सेवन सेवन एस ई वी ई एन सेवन माइनस एम आई एन यू एस माइनस थ्री टी एच आर डबल ई थ्री इक्वल इक्वल्स फोर फोर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन सब्ट्रैक्ट टू नंबर बाय, हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करके कर सकते हैं, हाँ बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, हम फिंगर्स पे कर सकते हैं, फिंगर पे भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और ड्रॉ लाइन, और हमने लाइन से भी बताया था ना, लाइन से भी कर सकते हैं। तो आंसर है सेवन का आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When we subtract zero from a number,
अब सपोज कीजिए ओपन योर फोर फिंगर, ऑल ऑफ यू ओपन योर फोर फिंगर, अब इसमें से जीरो माइनस करना है, आंसर क्या आएगा? फोर, सेम वही डिजिट नंबर आया। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर हम किसी नंबर में से जीरो को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर वही नंबर आएगा जो नंबर जिस नंबर से माइनस कर रहे हैं। तो द सेम नंबर, ऑप्शन नंबर सी, द सेम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नाइन। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अ सेम नंबर वी गेट डैश। आप सपोज कीजिए फाइव नंबर है, एक एग्जांपल लीजिए फाइव नंबर है, अब आपको फाइव में से फाइव माइनस करने हैं, यानी वन टू थ्री फोर फाइव, कितना आंसर बचा हमारे पास? जीरो। यानी हम किसी भी सेम नंबर में से वही सेम नंबर माइनस करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। जैसे टू में से हम टू माइनस करेंगे आंसर जीरो आएगा, सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे आंसर जीरो आएगा। तो आंसर, तो नाइन्थ आंसर इज जीरो। ओके, आई होप बच्चों आपका ये एमसीक्यू सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट होगा, और जिन बच्चों का थोड़ा रॉन्ग हो गया होगा वो तो ठीक कर लिया उन लोगों ने। ओके बच्चों, एक मिनट रह गया है, तो बाकी जो पेजेस के एमसीक्यूज हैं जिनके नहीं हुए हैं वो मैं कल करा दूंगा, ठीक है? जो भी आपकी क्वेरीज होंगी बच्चों, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 44, इनमें से किसी को कुछ पूछना है? पेज नंबर 38 और पेज नंबर 44 के रिगार्ड, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, या इसका मीनिंग क्या होता है, या क्या मतलब है, किस तरह से वो होगा, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग पेज नंबर 38 एंड 44? किसा ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसका क्या मतलब था, इसका आंसर ये क्यों होगा, तो भी कुछ पूछना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सब समझ में आ गया आप लोगों को? नो सर, कुछ नहीं पूछना। ओके, आईफोन, मैंने कल भी इस बच्चों को पूछा था, आईफोन के नाम से डेली आता है और कॉल करते तो उठाता नहीं है, है कौन ये आईफोन? यस बेटा, आईफोन आपका नाम क्या है? व्हाट योर नेम बेटा? व्हाट इज योर नेम? श्रेयांश। श्रेयांश, तो बेटा अपने नाम से एंटर हुआ करिए आईफोन। अब मैं कभी कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसे पूछूंगा, आईफोन ये का आंसर बताओ। यस मैम, यस सर, है ना? नेट कल से क्लास में एंटर होना तो अपना नाम एंटर करना श्रेयांश। ओके बेटा, ओके। श्रेयांश, अपने नाम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप? SHRYANSH. ओके, ओके, मैंने आपका नाम करेक्ट कर दिया। ओके ठीक है, इस नाम से आप एंटर होना, ठीक है ना बेटा? जैसे हमें पता चलेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे ये हैं, और मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके नाम से ही पूछूंगा, ठीक है बच्चों? कुछ पूछना है आपको, कोई क्वारीज है तो कल मैं आप लोगों को छोटा सा टेस्ट ले लूं बच्चों, प्लस का माइनस का। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं टेस्ट देने के लिए? मान्या सिंह, यस, ओके, आरओ बंसल सर, यस यस सर, ओके ओके। तो कल मैं आफ्टर बिफोर का, ओके, तो एंजल सोनी के लिए सर मुझे थैंक्स अप पीना है, नहीं कोल्डिंग नहीं पीनी, गंदी बात होती है। अच्छा अंगूठा, वैसे मतलब अंगूठा दिखा रही हूँ मुझे, बैड मैनर्स।